मत्स्य विभाग के कर्मचारियों और मत्स्य सहकारी सभा बिलासपुर के पदाधिकारियों ने गोविंद सागर किनारे लूणू मैदान को चकाचक किया। निदेशक व सहायक निदेशक मत्स्य विभाग बिलासपुर सतपाल मेहता व श्याम लाल की अगुवाई में कर्मचारियों ने मैदान में पड़ी गंदगी को हटाया और कूड़े कचरे को एकत्रित कर ठिकाने लगाया। मत्स्य विभाग के कर्मचारियों और मत्स्य सहकारी सभा बिलासपुर के पदाधिकारियों ने गोविंद सागर किनारे लूणू मैदान को चकाचक किया है। निदेशक व सहायक निदेशक मत्स्य विभाग बिलासपुर सतपाल मेहता व श्यामलाल की अगुवाई में कर्मचारियों ने मैदान में पड़ी गंदगी को हटाया और कूड़े कचरे को एकत्रित कर ठिकाने लगाया। निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि लूणू मैदान में गंदगी का साम्राज्य कायम था, जिसे हटाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ ही मत्स्य सहकारी सभा के पदाधिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया। भविष्य में भी व्यवस्था को सुचारू रखा जाएगा और समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने जनता से भी अपील की कि सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखें ताकि बिलासपुर स्वच्छ बन सके। गोविंद सागर में मत्स्य पालन विभाग एवं मत्स्य सहकारी सभाओं ने स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया और उसमें मत्स्य सहकारी सभा बिलासपुर और मत्स्य सहकारी सभा कोट कहलूर मत्स्य सहकारी सभा, दोनों सभाओं के जो हमारे मत्स्यजीवी हैं, जो मछली पकड़ते हैं, फिशरमैन वो थे, और विभाग के बिलासपुर डिवीजन के सभी कर्मचारी और अधिकारी, जो कि श्यामलाल जी की अध्यक्षता में उसका स्वच्छता अभियान का ये कार्य किया गया, और सारा ही शोर में जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक थे और वो सारी चीज़ें हैं उनको ये किया गया, जैसा कि हमारी सरकार का भी एक काफ़ी इस पे फोकस है कि हम इसको स्वच्छ रखें, तो विभाग का प्रयास है कि हम इसको स्वच्छता को जो है वो इसी रूप में हम आगे भी करते रहेंगे, और जिससे कि मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि वो कम से कम प्लास्टिक का यूज करें और ये जो प्लास्टिक है वो ऐसे ना फेंक करके उसको कहीं भी वो जहाँ उसका स्थान होना चाहिए वहीं पर ही फेंका जाए।